ग्लोबल पंजाब टीवी के चैनल पंजाबी दे दर्शकों का जगतार सिंह सिद्धू वालों नजरिए दी डिबेट दे विच स्वागत है। पंजाब ते हरियाणा सतलुज जमुना लिंक नहर के मुद्दे नूं लैके खास तौर पर जो दरियाई पानियों की वंड की गल करते हैं तो हरियाणा किसी वेले सत्ता च रही तेरे अनैलो ने स्पष्ट शब्दों के गल ये कही है कि जे पंजाब ने हरियाणा के हक के गल ना मनी पानियों के मुद्दे लैके तो 10 जुलाई जो नैशनल हाईवे है उत्थे हरियाणा के सारे जिहड़े लोगों नूं नाल लैके खास तौर पर पंजाब दीआं जिहड़ियां सरकारी गड्डियां उन्होंने आउण दे उत्ते रोक लगाई जाएगी। जिस तरह सारे दर्शक भी जानते हैं और असी भी जितों तक इस मुद्दे नूं समझते हैं कि पंजाब ते हरियाणा के लिए पानियां दी वंड का मुद्दा बड़ा नाजुक है। अनैलो वालों पहलां भी इस मुद्दे ते एक बार धरना दिता जा सकता है। जे आपां गल करिए इन्हां मुद्दिआं नूं लैके केवल हुण ही नहीं पिछले दौर दे विच भी हरियाणा ते पंजाब इस मुद्दे ते आमण सामने हो चुके हैं पर हुण जदों कि मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच है कि इहो जिहे मौके ते अनैलो वालों ये फैसला लैणा कि पंजाब दीआं गड्डियां नूं बंद कर दिता जाएगा वाजिब है। इन्हां सारे मुद्दिआं ते मेरे नाल अनैलो दे बरारे रविंदर टोल जी, इस तरीके नाल हरियाणा दे सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप मलिक, पंजाब दे सीनियर जर्नलिस्ट दीपक शर्मा चनारथल, तिन्ने मेहमानों मैं पैनल ते आउण दे लई जी आखदा। रविंदर टोल जी, जिस मुद्दे ते आपां चर्चा कर रहे हैं खास तौर ते पानियां दी वंड दे मुद्दे नूं लैके जो अनैलो ने फैसला लिया स्टैंड लिया कि अगर पंजाब ने पानी ना दिता जां फैसला हरियाणा दे हक विच ना होया तो 10 जुलाई नूं असीं नैशनल हाईवे जिहड़ी हैगी है उहदे ते रोक देंगे, आवाजाई बंद कर देंगे, किन्ना कु वाजिब है जी? सरकारी, बिल्कुल सरकारी वाहनां दी गल करदे हां, सरकारी गड्डी जी। पहली गल तो यह है कि मैं तुहानूं दस दिंदा, जहां तक हम इस मुद्दे की बात करते हैं तो उस मुद्दे के ऊपर किसी भी प्रकार का हमारा स्टैंड जो है पूरी तरह से वाजिब है और माननीय कोर्ट की डायरेक्शन के अनुरूप है। अब यदि पिछली तारीख की हम बात करें, हमारी तो यहाँ पर जो है परसों ही फैसला हुआ है, इसका शनिवार को फैसला हुआ है कि हम सरकारी गाड़ियों को रोकेंगे सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए सिर्फ। जी बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली तारीख थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहाँ तक बात SYL है, SYL का फैसला हो चुका है, इसमें किसी भी प्रकार के फैसले की कोई गुंजाइश नहीं है, नहर तो पंजाब को बनानी पड़ेगी। जब सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट इस मामले में स्टैंड है तो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो हरियाणा के हित के लिए कार्य करना चाहती है वो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप और हरियाणा के लोगों के जो अपना पानी का जो उनका मुद्दा है, उनकी जो जरूरत है, उसके लिए यदि हम किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें मैं कुछ भी नावाजिब या गलत नहीं मानता। बिल्कुल वाजिब है। प्रदीप मलिक, इस मुद्दे से तुम की कहना चाहोगे जो अनैलो ने स्टैंड लिया है कि चाहे संकेतिक तौर पर सही एक दिन के लिए असं नैशनल हाईवे जी उसे पंजाब दी सरकारी गड्डिया नहीं जान देंगे। देखिए सिद्धू साहब, कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ किस मामले को मुद्दे को कैसे उठाता है वो तो उस पार्टी का अपना खुद का डिसीजन होता है, लेकिन आज के दिन जो सतलुज यमुना लिंक नहर वाला जो मामला है उसमें देखिए पहले भी कई बार यहाँ डिस्कशन हो चुका है। जब 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे अपनी ओपिनियन दे दी थी तो उसके बाद तो 4 जून 2004 का फैसला ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है और उसके बाद से देखो राजनीति कितनी चली है। लेकिन आज ये है कि पानी जो हरियाणा का हिस्सा है 3.5 MAF है, 1.6 MAF मिल रहा है, हालांकि इस समय थोड़ा सा और कम मिल रहा है, बाकी 1.9 MAF के लिए कितने साल से हरियाणा लड़ाई लड़ रहा है। वो पानी कैसे मिले सुप्रीम कोर्ट को दोबारा, अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है ना जिसमें 11 जुलाई तारीख लगी हुई है, उसमें ये है कि जो फैसला ऑलरेडी दिया हुआ है, जो डिक्री दी हुई है, उसको फैसले को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर चल रहा है मामला। आपने भी बड़े बड़े वकील खड़े किए, हरियाणा से भी अच्छे तगड़े वकील खड़े हैं, वो फैसला लागू करवाने के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, फैसला तो ऑलरेडी दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखना है कि पंजाब और हरियाणा कोई वो नहीं है, दोनों एक भाई हैं छोटा बड़ा, तो बड़ा भाई को जिम्मेवारी बनती है कि वो छोटे भाई का जो हिस्सा है वो दे दे। पंजाब कोई हरियाणा कोई उसे भीख नहीं मांग रहा पंजाब से। बिल्कुल तुम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा है फैसला तुम कहने हक च आ गया जहाँ जे इशू चल रहा है, पर कि नबेड़ा इस गल नाल होएगा कि अगर कोई फैसला नहीं आ रहा तो आप कह के असं थ्रैट करके आवाजाही बंद कर दें। देखिए थ्रैट करने का जो मामला है ना, अगर मान लो जहाँ तक मैंने सुना था उस दिन अभय सिंह जी चौटाला को, वो ये कह रहे थे कि जो पंजाब की ना तो हम कोई एम्बुलेंस रोकेंगे, हाँ प्राइवेट गाड़ी भी
कोई रोकेंगे तो उसको हम साथ में गुलाब का फूल देंगे, उसको ये कहेंगे अगर आपको एक घंटा रुकने में कितनी परेशानी हुई और हमारा आप लोगों ने 50 साल से पानी रोका हुआ है, हमारे पर क्या बीतती होगी आप सोचिए। प्रदीप मालिक फुलता ता ही लैन गए ना जो गड्डी के नेड़े आने तो डरते ने पहले ही पिछे रुक जाना है कि पता नहीं साढ़े नाल की बिहेव होएगा। सिद्धू साहब देखो पंजाब क्या है, गुरुओं की धरती है, संत महात्माओं की धरती है। गुरु नानक देव जी महाराज को आप भी फॉलो करते हो, मैं भी फॉलो करता हूँ। गुरु साहब क्या कहते हैं, किसी का हक मारने की बात करते हैं क्या गुरु साहब? जो जिसका हक है वो दे दीजिए, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो तोड़ा लगता है कि तोड़े इशू के मुताबिक जड़ा के तुसी वाजो गल कर रहे हो। प्रदीप तुसी की कहोगे इस मुद्दे से? तो प्रदीप ने गल कही है, दीपक तुसी की कह रहे हो इस मुद्दे पे? सिद्धू साहब प्रदीप मलिक होरी अज बड़ी धार्मिक ढंग नाल इमोशनल ढंग नाल सानू ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हाँ असी कह दिए कि हाँ जी कि हाँ असी दे देंगे थोनू। सवाल यह है कि दिता तां ज्यादा हुंदा कि जेकर कुछ कोल होवे। पंजाब को एक तुपका भी फालतू पानी नहीं है। तुसी कमाल की गल देखो कि एस वाई एल बनाने की गल करते हैं, एस वाई एल जो बन जाती है इन्हों गल भी देखनी चाहिए है कि असी जिहड़ी स्टेट तो पानी मंग रहे हैं पर की बीतेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस गल वल नज़रसानी करनी चाहिए है। जेकर एस वाई एल नहर बन जाती है तो 10 लाख एकड़ जमीन पंजाब की बंजर हो जाएगी। 10 लाख एकड़ मतलब यद मतलब कितने किन्ने ही किसान ने जिन्होंने असी सुसाइड के राह आप पाना चाहते हैं। इसलिए इस गलते सोचना पड़ेगा। एक गल होर है, पंजाब दे विच सिर्फ 28% है जी एस वाई एल जी नहरी पानी नाल सिंचाई होंदी है, तो 72% ट्यूबलां नाल होंदी है। तो ट्यूबल वाली हालत की है अज इस टाइम 45 साढ़े ब्लॉक बिल्कुल क्रिटिकल च ने, 138 चो 100 जोड़े ब्लॉक ने वह ब्लैकलिस्ट हो गए हैं जिन्हें धरती हेठला पानी, तो थले पानी नहीं है, नहरी पानी असी अपने खेतों पूरा पहुँचा नहीं पा रहे, इन्हों कितों दे दिए। इसलिए जेकर असी 10 लाख एकड़ बंजर करनी है जमीन तो ठीक है, फिर हरियाणा पानी लै लवे, धार्मिक तौर पर लै लवे, धमका के लै लवे। तो एनएलओ जी गल कर रही है सिद्धू साहब, एनएलओ फुल अज फुल देने की गल कर रही है, नाले कह रही है कि जेकर नहर ना बनाई जेकर पानी ना दिता फिर असी तो अगे भी सख्त होवेंगे, असी सड़क जाम कर देंगे, तुहानू दिल्ली जाणो रोक देंगे। अजिहियां गल्लां करके ये धमकाउण वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। वह मसला जो कोर्ट च है तो कोर्ट का रिकॉर्ड असी भी करते हैं, कोर्ट के हिसाब से जो, पर कोर्ट में यह तो देखना पेगा ना कि असी नहर बना के क्यों पैसा बर्बाद करिए जो पानी ही नहीं उस चलना, पानी देने को ही नहीं गा। इसलिए यह गल्लां नहीं करनिया चाहिए, इस तो बचने की लोड़ है, क्योंकि एस वाई एल जे बन भी गई ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੀ ਪਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਰਗਲਾਨੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਮੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਬਰਗਲਾਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮੰਨ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। पहली बात यह है कि थ्रेट की हम बात करते हैं, जब इनेलो ने शंभू बॉर्डर पे पिछला प्रदर्शन किया था उस समय पर भी पंजाब में जो है इस प्रकार की राजनीति बनाने की कोशिश की गई थी कि कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये राजनीति और इस प्रकार की भाषा का कोई मतलब नहीं है। हमारी तरफ से न तो कोई थ्रेट दिया गया ना ही हम दे रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि संघीय ढांचे के अनुरूप हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, और वो भी हमारे हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमको हमारा हक दिया है वो हक हमें हमारा वापस दे दीजिए। इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग होने की, ये फिर से बार बार बरगलाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, जब ये आपका जो 23 फरवरी को हमने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था उसके उस समय पर भी बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई थी, उससे पहले जो थी 20 फरवरी की मेरे हिसाब से 20 या 19 फरवरी की तारीख थी उस समय पर, 19 फरवरी को जो है पंजाब की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई। ये कहा गया कि जो है एक राजनीतिक पार्टी शंभू बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था को पंजाब की को खराब करने का प्रयास करना चाहती है, उसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल उसको उनकी दलील को खारिज किया बल्कि ये कहा उसके साथ में कि एस वाई एल बनेगा या नहीं बनेगा ये समाप्त हो चुका है, SYL तो किसी भी हालत में बनेगी बनेगी, बात जहां तक पानी की रह गई। जिस पानी की बात करें 10 लाख एकड़ या जो भी बात कर रहे हैं, ये देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ये पंजाब की बात करते हैं तो हरियाणा का तो दक्षिण हरियाणा तो पहले से बंजर पड़ा हुआ है। देखिए एक बड़ी बड़ी हरियाणा कोई नाराजगी नहीं है, नहीं नहीं बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं
मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ इस चीज को। तो जब पंजाब की तरफ से जो ये ऑब्जेक्शन उठाई जा रही है, आज से तो उठाई नहीं जा रही है, ये 1982-83 से बनाई जा रही है ऑब्जेक्शन, हमारे पास में पानी नहीं है, बार बार इस चीज को दरकिनार किया गया। पंजाब की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर है, उसके अलावा राइपेरियन है, इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है रिजेक्ट किया है। और जहां तक बात पानी की है, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को अपने फैसले में ये कहा था आप SYL बनाइए, पानी कितना आएगा नहीं आएगा इसका फैसला बाद में करेंगे, आपको संघीय ढांचे के अनुरूप एक बार इस फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से पंजाब नहीं बच सकता। ओके, ब्रेक तो करना सिद्धू साहब, बिल्कुल कानूनी तौर से जेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो ठीक है, आप मान लिए कि उस अनुसार SYL बन भी गई, सवाल तो फिर वही है कि आप वेस्टेज क्यों करवाना चाहते हैं। कोर्ट मान जो कोर्ट में भी सोचनी चाहिए कि जो तो पानी चलाने लगी, दूजे पासे देखो BBM भी है, केंद्र दा आधार है, ठीक है ना, BBMB की नोटिफिकेशन है, मैं दसना कि पंजाब ते हरियाणा ते राजस्थान तीन स्टेटा जो ऑलरेडी पानी जा रहा है, वो BBMB नोटिफिकेशन करती है कि इन तिना स्टेटा जो पानी जा रहा है वो 25% की गिरावट आ गई, 25% घट गया, मतलब पंजाब को ऑलरेडी जो पानी जा रहा है दिन च भी 25% घट गए, तो यदा मतलब हूँ भी हरियाणे ते राजस्थान जो पानी जा रहा है फालतू जा रहा है 25% तो उस भी कट चुके हैं, नवा लैंड दीआं गल्लां कर BBMB दा नोटिफिकेशन है। ओके, मेरा तो नहीं है, किसी सरकार दा नहीं, ब्रेक दी मैं ब्रेक तो बाद आ रहे हैं, हुण लैने एक छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो बाद ऐसे मुद्दे ते वापस आ रहे हैं आपां। नजरिए दी डिबेट दर्शकां दा स्वागत, मलिक जी ब्रेक तो पहलां इस मुद्दे ते कहना चाहुंदे सी तुसीं। सिद्धू साहब जो दीपक जी कह रहे ना, जो गोविंद सागर रिजर्वायर है वो 44 फुट नीचे चला गया था, जो ये बात आप कह रहे हैं ना पानी कम हो गया, पहले हरियाणा का 9500 क्यूसिक था शेयर, वो अब 6000 क्यूसिक आ रहा था, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, बर्फ पिघलने की वजह से रिजर्वायर वायर का लेवल फिर से ऊपर आ गया, और जो आप कह रहे हो ना वो फिर पानी बढ़ना शुरू हो गया। मतलब ये है कि वो तो जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है हर महीने आपको ये पूछ लो, टेक्निकल कमेटी की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, पहली 2 मार्च फिर अप्रैल में हुई और फिर मीटिंग होनी है, हर महीने टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें ये डिसीजन होता है कि जब भाखड़ा बैच मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था उस समय ये बात आई थी कि जो हरियाणा पंजाब राजस्थान जिसका पानी का शेयर BBMB तय करेगी उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनका जो हेडवर्क्स का कंट्रोल भी भाखड़ा बैस मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। वो कौन दिया आपने, तो थोड़े भी कर रहे हो, किसी के पास नहीं है, वो आज की पंचायत के कंट्रोल में दिल्ली चलाई जा रही है, पता है नरवाना ब्रांच को वखरा, सुनिए सिद्धू साहब, नरवाना ब्रांच जो है आपको पता है कहां से निकलती है, नरवाना ब्रांच राजपुरा के पास, ऊपर से एक सेकंड रुको सिद्धू साहब, राजपुरा के पास है, ऊपर से मामला है, वही तो बता रहा हूँ, राजपुरा के पास पटियाला नदी ऊपर से गुजरती है, अंडर नीचे से साइफन के जरिए नरवाना ब्रांच है, 4 पाइप हैं, 1000 क्यूसिक के जो 10x10 के 220, एक पाइप इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था 27 तारीख को, वो उत्तर हरियाणा में लकड़ी के टुकड़े मिले हुए, मैं तो कहता हूँ अभी वीडियो दिखा देता हूँ आपको, देख लो इस पे, पंजाब का कंट्रोल रहा हमेशा से उस पे, कभी पंजाब ने कौन सी बात मानी आपकी, मनिए कि ये मनन लायक ही नहीं यार, कोई बात नहीं मानी पंजाब, देखो ऐसे आपको पता सवा 4 साल पहले मलिक साहब ये बात आई थी कि जो रावी ब्यास है जो सेकंड उसका फैसला हुआ था कि इसमें आप हम इसका जो अपनी रावी ब्यास लिंक प्रोजेक्ट है इसको मान ले, वो भी इन्होंने नहीं माना, आपको पता है आपके पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों मीटिंग करके ये कहा कि पाकिस्तान कितना पानी जाता है हमें बताइए, इस बात का किस तरह से जा रहा है कि पानी जमा करें, वो उस बात आपने कोई फैसला माना ही नहीं आपने पंजाब में, ये रोला पाके लड़ाई लड़नी जानते हैं हरियाणा वाले, चाहे वो अनैलो क्यों सुप्रीम कोर्ट के, क्यों सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, वहां पे भी रोला पाके जीते क्या, सुप्रीम कोर्ट में रोला पाके जीते क्या, हिंदुस्तान के कानून के तहत जो हमें अधिकार मिला वो रोला पाके मिला है, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं दीपक जी, सिंधु साहब 16 केसेज हमारे हरियाणा और पंजाब के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, नहीं नहीं एक मिनट मेरे को, लेट मी, इसमें से ये एडवर्स का कंट्रोल का एक मिनट मेरे को,
ये बता रहे ना, गलत डाटा बता रहे हैं। डाटा आप मेरे को दिखा दो, 25% पानी कट गया जिसके कारण तिना स्टेटा ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਟਿਆ। आप ये बता दो ना, आज भी नोटिफिकेशन ਨਾਲ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸ ਕੇ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਅਭੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, आप ये बता दो ਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ। बड़ा दुख हो रहा है इस भाषा पे, इन्होंने कहा कि हरियाणा केवल रोड़ा पा करके पानी लेना चाहता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1982, 2002, 2004, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको हमारा हक दिया, बावजूद उसके ये कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या संघीय ढांचे के अनुरूप, क्या संघीय ढांचे के अनुरूप, क्या हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के अनुरूप हमें नहीं मिला। तो ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही, आपको क्या लगता है क्या ये बात अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है? ये आपके पास में पानी फालतू नहीं है, तो ये आपके जो है तर्क जाकर आकर के न्यूज रूम में क्यों आ रहे हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाकर, मामला चल रहा है, कहाँ चल रहा है, खत्म हो चुका है मामला, आप ये बात मत कहिए। आप एक बार बात समझिए इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है वो इसलिए नहीं चल रहा है कि पानी पंजाब देगा या नहीं देगा, वो ये देगा कि क्या पंजाब जो है हिंदुस्तान के संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर के काम कर सकता है। ठीक है, और जहां तक बात वायलेंस की, मैं क्यों नहीं, हम हमारे राजनीतिक पार्टी के रूप में हम दबाव बना सकते हैं, हम हमारी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमने कोई वायलेंस किया, हमने कौन सा वायलेंस किया आप बताइए, हम केवल कहां वायलेंस दिखाई है आप, कहां वायलेशन गल कर रहे हो, कहां वायलेशन, अपने अपने जोड़ा पा करेंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमें बार बार कोर्ट कह रही है कि पंजाब संघीय ढांचे के खिलाफ काम कर रहे हैं आप, रोड़ा आप कैसी बात कर रहे हैं, नहीं इस बात को मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूं, क्या किस बात का रोड़ा पाया है, जो कोर्ट सिर्फ एसओएल बनाओगे, ये क्यों नहीं बताते कि एसओएल की कंस्ट्रक्शन क्यों रुकी जो वहां पर 60 मजदूरों को मारा गया, किस प्रकार की बात करते हैं, हालात की बात न करेंगे, ये हालात जो है पंजाब की पंजाब के उस समय रोड़ा पाके, क्या इसका हरियाणा का दोष है, ऐसे ढंग ना रोड़ा पाके सोच देने का, एक मिनट धक्का नहीं चलना, एक मिनट श्रीमान जी, आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तान के संघीय ढांचे से ऊपर हो गए क्या, किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए, मैं यही बात कर रहा हूँ इनसे, तो हम तो ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसके अलावा हमने कहा क्या है, जी जी क्या कहा हमने इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुनो तो सही ना, फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਤਾ ਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਕੋ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਸੇ ਸੋਇਲ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੀਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੋ ਕੌਨ ਸੇ ਰੋਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ये हमारी राजनीतिक अधिकार है, हम हमारी सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले, अपने शहर अपने सिद्धू साहब, हमारा हरियाणा है, हमारी मर्जी, कमाल करते हैं, कैसी बात करते हैं आप, रविंदर जी थोड़ा 11 जुलाई नू इस मामले की सुनवाई है, तो 10 तरीक नू अनैलो ने दी है कॉल कि असी सड़कों पर आवेंगे, हरियाणा पंजाब दी गड्डियां रोकांगे, पंजाब दे अधिकारियों दी गड्डियां रोकांगे, केवल सरकारी गड्डी की, कोर्ट नू प्रभावित करने की शरारत नहीं, क्यों, सुनो सुनो सुन तो लो यार, ठीक है ना, इसलिए मैं लगता है कि वैल प्लैन राजनीतिक दोहरी है कि पंजाब नू भी डरा लिए ते अपनी स्टेट दे विच भी असी अपना जिहड़ा वजूद खो चुकी है एनएलओ ओनू दोबारा खड़ा कर लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पहला पहला भी ये पंजाब दे बॉर्डर ते आके हरियाणा दे लोकां नू भड़काउणा चाहुंदे सी, उहनां नू भड़काउणा चाहुंदे सी कि लोक दोबारा साडे नाल आ जाण, एनएलओ सिर्फ अपनी सत्ताधारी धिर नू बचाउण लई अपनी होंद बचाउण लई लड़ाई लड़ रही है, कोई हक्कां दी लड़ाई नहीं है, क्या एक निष्पक्ष पत्रकार राजनीतिक बात करेगा, मैं पंजाब दा हक है, मैं पंजाब पंजाबी भी है, पत्रकार बात चो मैं पंजाब दी हालत भी जानदा सर, तो आप राजनीति करेंगे, पंजाब का किसान मर जावे, पंजाब के लोग प्यासे मर जाएं, ते हरियाणा नु पानी चल जावे, आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते नहीं है, आप संघीय ढांचे को आप मानते नहीं, कोर्ट ने पानी देने हमारे ऊपर, ओके कमाल, कोर्ट ने कहा कि नहर बननी है,
तो कोर्ट ने कहा बनाइए, क्यों नहीं बनाते सरकार बनाएगी, मैं थोड़ा बनाऊंगा, तो फिर वही तो हम तो यही कह रहे हैं ना सरकार बनाए या फिर सरकार आ गया। प्लीज आप पटवेन मार्क साहब तुसी संकेत दे विच मैं ब्रेक लेनी है, उससे पहले अपनी गल को सिद्धू साहब देखिए 1960 में जब ये जो समझौता हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, उसमें एक बात आई थी कि रावी ब्यास सतलुज ये तो पानी अपना इंडिया का है और जो सिंधु चेनाब झेलम ये पाकिस्तान जाएगा, ठीक है जी, ठीक है बोलो बोलो। तो रावी ब्यास सतलुज का पानी क्या पंजाब के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? आप लेने की छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो बाद वापस आ रहे हैं इसी मुद्दे थे। नजरिए दी डिबेट दर्शकों का स्वागत। हरविंदर जी ब्रेक तो पहले जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि भी मीडिया के अंदर एक गल आ रही है कि जो अनैलो वालों सड़क रोकी जा रही, नैशनल हाईवे रोकी जा रही है, वो पूरी तरह गैर संविधानक तौर पर और गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। अनैलो को कोई हक नहीं लोगों को इस तरह की परेशानी खड़ी कर। देखो बिल्कुल आपको सिद्धू साहब बड़ी स्पष्ट रूप से बताता हूँ, पहली बात तो हम सड़क नहीं रोक रहे हैं, हम केवल मात्र पंजाब की तरफ से आने वाले सरकारी वाहनों को रोकेंगे, वो भी टेम्परेरी कुछ घंटे के लिए, उसके बाद में उनको जाने दिया जाएगा। हमारी कोई शंका ना तो हमारी कोई मंशा है सड़क रोकने की, ना ही आम जनता को तंग करने की। नेशनल हाईवे तो रोक रहे हैं ना, नेशनल हाईवे नहीं रोक रहे हैं, किसी भी निजी वाहन को, किसी भी इमरजेंसी वाहन को, सरकारी वाहन रोक रहे हैं, सरकारी वाहन को भी कुछ घंटे के लिए रोका जाएगा सांकेतिक रूप से, उसके बाद में जाने दिया जाएगा। अगली बात, हम जहाँ तक बात संवैधानिक या असंवैधानिक की बात करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान जजमेंट में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि धरना देना और प्रोटेस्ट करना जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक अधिकार है। अब हम किस लिए कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। जो जून 2004 के अंदर 4 जून 2004 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जो कहा गया था कि केंद्र सरकार इसको बनवाए, आज केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, पंजाब को हरियाणा सरकार को लेकर के इस मुद्दे को जाकर के सुलझाए, हमें तो दिक्कत ही कुछ नहीं, हम तो आज भी कॉल ऑफ करने तैयार हूं, मैं यहां पर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। ये किस प्रकार की बात है रविंदर जी, मैं कह रहा जी अजीब बात है रविंदर जी, जी तुसी गल कह रहे हो इस वेले हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार, ठीक जी, केंद्र दे विच बीजेपी सरकार, ओके, जो दोनों पार्टियां दी सरकारां जिहड़ियां केंद्र ते हरियाणा दे विच है, तो फिर की दिक्कत है कि फिर हरियाणा नूं की जरूरत पई है कि धरने का रस्ता अडोप्ट करन दी, तुहाडियां तो केंद्र च वी सरकार है हरियाणा च वी सरकार है, तो बीजेपी की है ना समस्या, तो ये है कि बीजेपी दोहरी नीति खेल रही है, यही कांग्रेस का हाल है, पहले कांग्रेस ने रोका फिर बीजेपी ने आ रहा है, समस्या तो यही आ रही है ना। जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब में जाकर के कहते हैं तो सिंधु की बात करते हैं, वैसे क्यों नहीं बात करते हैं, 7 महीने में जाकर के प्रधानमंत्री ने आज तक जो है हमारे सर्वदलीय उसको जो है अब तक मीटिंग का समय नहीं दिया, पर मुख्यमंत्री भी जब जाते हैं तो अपनी इंटरनल समस्या के डिस्कशन करके आते हैं, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हरियाणा के साथ केंद्र सरकार अपना रही है, तो हमें देखिए सरकार के ऊपर दबाव डालना है कुछ घंटे के लिए, सांकेतिक विरोध है और कुछ नहीं है इसके ओके इस मुद्दे ते मौना है साढ़े नाल इस वेले पंजाब दे इरीगेशन दे एक्सिन जिहड़े के पाखड़ा डैम ते जिहड़ा के दूजे सारे जिहड़े उन्हां दे प्रोग्राम नूं देखदे आ, मैं उन्हां तों जानना चाहुंदा कि जिस मुद्दे ते चर्चा हो रही है, इंद्रजीत जी मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? हरियाणा ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੈਟ ਲੈਵਲ ਆ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟਵਰਕ ਦਾ ਨੰਦਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਡੋਹ ਮਨਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਡੋਹ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ,
ਓਕੇ ਮਲਕ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਮੇ ਜੋ ਇੰਪਲਾਈਜ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੀ ਸੈਲਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਅਭੀ ਨਯਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਬ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ अभी पिछले दिनों 23 अप्रैल को जब नरवाना ब्रांच अभी मैंने जिक्र किया ना जिसमें कह रहा था मैं पाइप ब्लॉक है उसके लिए ये कहा कि हमने इसकी सफाई करनी चेक करना पंजाब ने क्या फंसाया हुआ इसमें आपने पता वो नोटिफिकेशन किसने जारी किया था पंजाब सरकार ने किया था कंट्रोल पूरा का पूरा पंजाब इरीगेशन का है ना कि बीबीएमबी का वो हेड वर्क्स कंट्रोल के मामले में एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दीपक जी मैं वो वैसे यहाँ बैठ के कोई ऐसे झूठ थोड़ी बोल के जाऊंगा मालिक साहब जड़ी पंजाब दी धरती दे जड़ा दरिया वगदा है नारा चल दियो तो कंट्रोल पंजाब दा ही होएगा मैंने कितना पानी बोला है मैंने ये बोला है कि पाकिस्तान जो जाता है 0.58 एमएम 0.5 ये बोला है मैंने मैंने कोई इतना नहीं बोला कि एक्सेस में जाता है और ये बात आपसे कहां छुपी है जब एक मिनट जब जब आपके मिनिमम पानी वो मैंने क्या बोला है मैंने कितना बोला है इसलिए जरूरी है मैंने कितना बोला है मैंने 0.58 एमएफ बोला है और दूसरी बात फ्लड गेट नहीं खोलने पड़ते क्या जब पानी डैम में फालतू हो जाता है डैम अपने कितनी बार अभी तक शायद जब से डैम बनाया 4-5 बार डे वो खोले गए हैं फ्लड गेट और मेरे ख्याल में 2010-11 में भी फ्लड गेट खोले गए थे वो पानी कहाँ गया पाकिस्तान गया पंजाब को फ्लड की सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को अब सुनिए मेरी बात आज पंजाब ये कह रहे ना कि पंजाब के किसान को पानी की बहुत जरूरत है भैया एक रणनीति ऐसी तैयार कीजिए एक मैनेजमेंट गुड अच्छे तरीके से कि जहां पंजाब में जहां पानी नहीं है वो वहां जाए रोपड़ में आपको पता है रोपड़ में आपकी कितनी नदियां जिस दिन 10वीं का 12वीं का रिजल्ट आता ना उस दिन वहां पे पुलिस लगानी पड़ती है बच्चे सुसाइड ना कर ले आप क्या बात करते हो पानी का करोगे क्या आप इतना पानी साहब किस पास चल पे तुम एक कोई इशू नहीं उस पानी का करोगे क्या और आप पानी हरियाणा का जब रोकना होता है तो उसमें डे उसमें फंसा देते हैं नरवाना ब्रांच में भी और दूसरी बात एक और सुन लीजिए मेरी बात आज आपसे ये कहते हैं अब यहाँ बैठ के कि जो पंजाब और हरियाणा के जितने भी डिस्प्यूट हैं वो बैठ के समझौता कर लो और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो मान लो तुम्हें क्या दिक्कत आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या जी जी दीपक जी आप यहाँ बैठ के पत्रकार की भाषा भूल जाते हो कई बार और ऐसे धमकाने लग जाते हो पंजाब की तरह आप सिर्फ ये बात कीजिए आपको क्या जरूरत थी 12 जुलाई 2004 को रात को कैबिनेट बुला के और वो आप वो कर दिया विधानसभा बुला के आपने सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो रद्द करके आपने अलग से एक्ट बना दिया अब तो एक्ट का आपका एक्ट का जो एक्ट है आपका वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया थोड़ा व्यू बना गया ओके ओके कोई गल नहीं मलसा तोड़े कहना रद्दी की टोकरी से नहीं जाएगा दीपक जी नहीं 10 नवंबर 2016 को जो फैसला है उसके बाद तो उसका कोई औचित्य नहीं ओके ओके सुप्रीम कोर्ट दसेगा मैं अपने पत्रकार भरा नु भी ते साडे अज दे जेडे नुमाइंदे ने उन्होंने बेनती करूंगा कि उन्होंने 2 मिनट टिक्के सुन लेन हां दसो मामला हैगा SYL नहर दा जिदे नाल बनाउण पिछे जिन्ना हो हल्ला मच रहा जिन्नी राजनीति चल रही है वो नो डाउट दोए तरह तो हुई है दोए स्टेटा तो हुई है वो पोलिटिकली मामला सीगा ठीक है अनैलो दे दोस्त पार्टी है जिहड़ी पंजाब च सत्ता च रही है लंबा समा ज्यादा मसला नहीं सुलझा सके जदों इन्हां दी सरकार उत्थे रही है तद पंजाब वाले राजनीति उन्हां दा लाभ नहीं उठा सके मसला किसी भी टेबल ते आके निबड़ सकदा सी स्टेट लैवल दे भी तिन्ने सरकारां किसे टाइम सेम रहियां ने पिछले दिनों कांग्रेस नाल भी बीजेपी नाल भी नहीं निबड़िया पोलिटिकली मामला सी पर गल गुठा किहदे आ रहा लोकां दे मुसीबत किहदे लई लोकां दी उधर जे अज किसान पानी तो वांझे ने तां उह भी आम लोक ने ते पंजाब दे जिहड़े खेत बंजर होणे ने उह भी आम लोकां दे इसलिए मार तां लोकां ते पैणी है ना पर हुण SYL जे बन जांदी आ ते उहदे राहीं जे पानी चल जांदा तां किन्ना पानी मिलणा हरियाणा नूं 1.3 एमएफ इन्ना ही मिलणा नहीं 1.9 एमएफ 1.3 जो ताज़ा अंकड़ा आया जो हिसाब बनती है तो 1.3 एमएफ
पर दूसरे पासे शारदा जमुना लिंक नहर है। ये बार बार गल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 ये भी कहा कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर लो। सुनो सुनी जाओ पहला ठीक है। शारदा जमुना लिंक नहर जो बनती आ तो वो उत्तराखंड के हड़ आनों हट जाएंगे तो हरियाणा करनाल के थ्रू आगे जुड़नी आके करनाल तो उस हरियाणा कि पानी मिलेगा 5 MAF वो लैण की गल नहीं करते। उत्थे सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आती पंजाब के जान य मतलब ये राजनीतिक धक्का ना पंजाब ठीक है ना। इसलिए उस प्रोजेक्ट के काम क्यों नहीं करते जितों 5 MAF पानी मिलना और उत्तराखंड भी वह खुश होंगे कि साडा स्टेट सुखाला होंगे। प्लीज मेरी मजबूरी है वो स्टेट भी खुश है हरियाणा भी पानी मिलता है पर नहीं इन्होंने आडा लेना पंजाब नाल पंजाब दे गाली गुठा देना है राजनीतिक। थैंक यू वेरी मच। छोटी जी ब्रेक लेने छोटी जी ब्रेक ब्रेक तो बाद मैं आ रहा इस मुद्दे वापस। नजरिया की डिबेट दर्शकों का स्वागत। मलिक जी ब्रेक तो पहले इस मुद्दे पर अपना व्यू रखना चाहते थे। सिद्धू साहब जो ये दीपक जी कह रहे हैं ना ये जो यमुना का इन्होंने जो जिक्र किया यस यमुना का पानी जो पंजाब कैसे आ सकता है पहली बात और दूसरी बात सुन लो पंजाब नहीं पंजाब ले नहीं मांग रहे। अच्छा दूसरी बात एक मिनट सुनो यमुना में कितना पानी होता है पता है आपको? आज के दिन जब कितनी गर्मी है मुश्किल से 3000 क्यूसिक पानी है उसमें से 1100 क्यूसिक पानी दिल्ली चला गया 800-900 क्यूसिक हथनी कुंड बैराज से मूनक तक आते जमीन पे की हरियाणा के हिस्से क्या आया। और दूसरी बात जब मानसून होता है उसमें 2 लाख से 6 लाख क्यूसिक भी चलता है जब दिल्ली डूबती है किसका नाम आता है हरियाणा का आता है। आप वो जो पानी है वहाँ तो सिर्फ ये बात कीजिए कि वेस्टर्न यमुना लिंक का तो वो तो पहाड़ों का वैसे पानी आता जैसे फ्लो हो गया और उसमें आप हरियाणा क्या करे हरियाणा का तो बढ़ता ही नहीं है। मलिक तुसी दूरी गल कर रहे हो जो पाकिस्तान को पानी जाता है जो आप कहने कि वो भी बारिशों का पानी है तुसी कहने हो नहीं हुण जदों जमरां दा पानी बारिश जा रहा है तो कई बार यहाँ बैठ के ये कहा यमुना का बोले हमें पंजाब हमें वो पंजाब वाले कहते हैं कि हमें यमुना का पानी आपको कहते हैं बनता वो हरियाणा का हिस्सा है और दिल्ली भी जाता है पानी और उसको देना सुप्रीम कोर्ट का एक आदत है कि डिबेट नु पटकाना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1100 क्यूसिक पानी हरियाणा ने देना ही देना है। हम तो हरियाणा तो मान रहा है उस फैसले को लेकिन आप नहीं मानते कभी किसी फैसले को आपके लिए कोई फैसला माने रखते ही नहीं और जब केंद्र कोई दबाव डालता है तो कह देते हैं कि पीछे जो फैसला होते हुए थे वो हमारे ऊपर गुट्ठा रख दिए थे। ये जो आप यहाँ गल करो सिर्फ ये कि फैसला इंप्लीमेंट करवाने की बात करो हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा है हरियाणा सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा है। पांच एम एफ तो जब मानसून होता नहीं आता पानी अरे नहीं ना आप गलत बोल रहे हो हथनी कुंड बैराज पे सुनता लो खत्म होता है हथनी कुंड बैराज में फोन करके 2002 प्रोजेक्ट मंजूर होता है सुप्रीम कोर्ट हदायत करती है कि इनू लागू किया जाए प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उत्तराखंड के चंपात जिले तो चलना है। अरे वो डेम जो उत्तराखंड का चंपात जिले तो पानी है वो हरियाणा के करनाल च आके जमुना च मिलना है 5 MAF पानी मिलना इन्हों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रोजेक्ट भी बनाओ बारे नहीं याद वही मैं गल करूंगा। मैं दीपक की बात नहीं काट रहा ये जो दीपक जी कह रहे हैं ना वो बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक जी आप गलत नहीं कर रहे वो जो डैम बनने ना जी वो रेणुका लखवार वैसी और कसाऊ डैम बनने उससे क्या होगा उससे दिल्ली की भी प्यास बुझ सकती है। लेकिन क्या हुआ जहां रेणुका डैम बनना है जिला सिरमौर जिले में वहां पे सबसे पहले जो किसानों की जमीन एक्वायर की है 1981 करोड़ रुपया है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 450 करोड़ दिया बाकी पहले सबसे पहले तो केंद्र सरकार को मुआवजा देना चाहिए उसके बाद काम शुरू होना चाहिए और 2025 से पहले वो डैम नहीं बनने। पंजाब का की कसूर है यार आप घुमाइए ना आप आज की गल कीजिए ना आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट की गल कर रहे हैं आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट की गल कर रहे हैं 2002 दा आप 14 साल हरविंदर जी जिस मुद्दे से इन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया कर तो जो दीपक की गल करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो अनेलो की सरकार सी अकाली दल नाल बड़े अच्छे रिलेशन उस वे आप जी है नहर बनाने या पानी का मुद्दा उदों क्यों नहीं सुलझाया गया। बड़ी स्पष्ट रूप से इनको इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ।
हरियाणा में इनेलो की सरकार थी 1999 से 2005 तक, 2005 जनवरी तक। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब फैसला आया वो आया 2002 में, फिर आया मामला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो 2004 के अंदर आया। 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पंजाब से अकाली दल चला गया था, और 2002 से 2007 के बीच में पंजाब के अंदर कांग्रेस थी, और 2007 के बाद में जब अकाली दल आया उस समय पर हम सत्ता में नहीं है। तो इस प्रकार की बात करना, जहां तक बात अकाली दल ने जो अब ये स्टैंड लिया, एक बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं, अकाली और इनेलो के रिश्तों के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं। आज के दिन में पहली बात तो ये है कि पंजाब में अकाली और हरियाणा में अकाली रहे हो, ऐसे हरियाणा में इनेलो रहे हो ऐसे कोई एक दो महीने कभी रहा होगा, अदरवाइज को है ना ओवरलैपिंग कभी भी रही नहीं है, क्योंकि 2002 से 2007 के बीच में कांग्रेस थी और 2002 के अंदर फैसला आया एसवाईएल कर, 2004 के अंदर उसको एग्जीक्यूशन का फैसला आया, उस समय पर पंजाब में कांग्रेस थी, उन्होंने गैर कानूनी जो कार्य किया था वो सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को खारिज कर चुकी है। हमारा जो है अकालियों के साथ में फरवरी 2016 के अंदर जब इन्होंने पंजाब के अंदर जो रिटर्न करने का, जमीन को रिटर्न करने का इन्होंने पास किया था, उसी समय पर जो है तुरंत प्रभाव से सभी प्रकार के राजनीतिक रिश्ते किस प्रकार से तोड़े गए थे ये आज इतिहास की बात है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अकाली ने पंजाब में जो राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी को वोट दिया अकाली। जी जी बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल। मैं यही नहीं कह रहा कि दो ही सरकार सेम रही, मैं ये कह रहा कि जे इन्ना ही हरियाणा के हितैषी थे इनेलो वाले, ज्यादा हुण लगातार 10 साल इनेलो लेकर के आए हैं, अकाली दल ने राज किया, उन्होंने नाल बैठ के समझौता तो कर सकते थे ना, समझौता हम कैसे कर लेंगे, हरियाणा के अंदर कांग्रेस है क्या, आज ही हरियाणा के हक, हरियाणा के अंदर कांग्रेस है, समझौता पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है, हुण नहर पटन भी आ रही है, लोंगोवाल के समय पर सड़कें रोकन भी आ रही है, मतलब अकाली दल नाल उस टाइम क्यों नहीं इन्हें टेबल पे आके बात करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, यही बात जो है राजीव लोंगोवाल समझौते के टाइम पर भी आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 का फैसला दिया है उसको कृपया करके स्टडी कीजिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, समझौता केवल सरकार के साथ मान्य होगा, तभी अमन ने किया। सरकार और कोर्ट काम कर रही है, फिर सड़कों पे क्यों आ रहे हो, सरकार नहीं दिख रही, फिर जब सरकार और कोर्ट काम कर रही है, कोर्ट मान जाओ, कोर्ट अपने ढंग से सही काम कर रही है, फिर तुम की दिखाना चाहते हो, क्या करें सरकार को, कोर्ट को एक दिन सुनवाई तो एक दिन पहले सड़कों पे आके कोर्ट के फैसले को प्रभावित करना चाहते हो, फिर हम तो अभी भी धरने पर बैठे हैं, हम तो अभी भी धरने पे बैठे हैं। ठीक है, धरना तो आपने धरने पे बैठना, खट्टर सरकार के खिलाफ बैठो ना, पंजाब दी बसों की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकेंगे हम अपनी अपनी सरकार, छोटे सूबे दी सरकार जो छोटी नुमाइंदगी नहीं सही कर रही तो उसके खिलाफ लड़ो, घट्टो घट पंजाब पंजाब के लोगों का। चलो दीपक जी प्लीज, अरविंदर जी मल साहब जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, जिदा अरविंदर जी ने गल कही है, राजीव लोंगोवाल समझौते का इन्होंने जिक्र किया है, जे राजीव लोंगोवाल समझौते की आप गल करते हैं तो फिर वो जो पानिया की गल है नाल चंडीगढ़ की गल भी है, पंजाबी बोलते फिर सारे इशू कट्ठे बैठ के सैटल होने चाहिए ना, तो पंजाब लिए सैपरेट क्यों कर लिया गया, पानी का इशू क्यों, चंडीगढ़ क्यों नहीं नाल लिया गया। सिद्धू साहब यदि समझौते अगर आप लोग मानते ना तो बहुत पहले हल हो लेते, आपने कब माने, 60-40 की बात आई थी, 60-40 आठ दिन मैं की करते हो, तुम जर्नलिस्ट हो सिद्धू साहब, आप नहीं मानते, और मैं तो वाहेगुरु से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब को सद्बुद्धि दे दे और आप लोगों को भी परमात्मा कह रहे हो पंजाब सुसाइड कर ले, हाथ जोड़ के कह रहे हो कि किसानों के साथ हो, सुनिए मेरी बात, वाले को मरना चाहते हैं पंजाब के किसानों के साथ हूं मैं, हरियाणा तुम मतलब कर रहे हो, किसान पंजाब का हकीकत पता है, पता हकीकत पता है कि पंजाब तो पानी लेके 10 लाख एकड़ जमीन खत्म हो जानी है पंजाब की, वो जायजा रिसर्च के बेस पे कह रहे हैं, पंजाब का किसान रिपोर्ट है, आंकड़ा रिपोर्ट है, नहीं मानती आंकड़े की, इस रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानती, जो आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट एसवाई नहर बनाने को कह रही है, पानी नहीं देने को कह रही है, तो फिर आप बना क्यों नहीं देते, मैं नहीं बनाऊंगी, सरकारों ने बनानी है, तो फिर किसान आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, ठीक है, तुसी पानी लेने के लिए चाहते हैं कि पंजाब के किसान के साथ, मैंने कहा आप बनवाइए तुक्का सर, फालतू पानी एक तुक्का, उसको जिस तरह से यूपी में हुआ कर्ज माफ, मैं क्यों राजनीति करनी, मैं राजनीति तो छोटे खेमे जैसा, छोटे खेमे राजनीति नहीं है, लेकिन मेरा कहना यही है कि परमात्मा से भी मैं प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से भी ये करता हूँ कि सद्बुद्धि मिले आपको और जो जिसका हिस्सा वो आप दे दो, क्यों दंगा, मालिक साहब सद्बुद्धि की गल नहीं, बुद्धि नाल सोचो, आप सद्बुद्धि की गल नहीं, बुद्धि नाल सोचो कि की पंजाब पानी देने की हालत है, पंजाब गुरुओं की धरती है, वो ऐसी धरती ऐसा करे कि कंटिन्यू कर दे, छोटा सा क्वेश्चन, सद्बुद्धि की गल करते ने, सद्बुद्धि की गल करते ने, सवाल बुद्धि नाले सोच लेन कि पंजाब को पानी है, पंजाब गुरुओं की धरती है, उसको तो पहला पता हरियाणा का उसका हिस्सा है, क्लास क्वेश्चन, गुरु साहब भी कहते ना कि सुसाइड नहीं करना, आत्महत्या गुनाह है, इसलिए आत्महत्या करने मजबूर कर रहे हैं, के लिए तो हरियाणा मारना चाहते हैं पंजाब नु, सुसाइड के लिए कैप्टन साहब गए थे वहां पे, गल नहीं सुनूं तैयार, मलिक जी इस मुद्दे पे मैं बांडी नहीं होण दवांगे, पानी की इतराज आके ट्रिब्यूनल बन जाए, ट्रिब्यूनल बन जाए,
सिद्धू साहब ट्रिब्यूनल करके तो आप उस मामले को और लेट करना चाहते हो। ट्रिब्यूनल कमीशन बना था, ट्रिब्यूनल मान ली, इनको मानेंगे किसी भी चीज को जो जिसका है, पंजाब ने माना होगा भी तो आज माने, और आप इसको चर्चाएं समाप्त हो जाए, क्योंकि ऐसे समय में जब 10 नवंबर को जो फैसला आया था उसके बाद राजनीति गरमाइए, नहीं तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होता था, हरियाणा की तरफ से होता था, हम नीला नीला पानी लाएंगे और आप ये लोग बूंद पानी करो। मैं आखिरी बेनती करना चाहना कि सिद्धू साहब गलो ये संजीदगी निबड़न वाला, देखो भावनावां साडियां भी भटक जांदियां ने, इधर भी जोश हुंदा क्योंकि इन्होंने अपने सूबे की गल करनी, असीं पंजाब की हालत जानने, इसलिए यह मसला राजनीतिक तौर पर नहीं, संजीदगी होना चाहिए। राजनीति लड़ाई के दोवें सूबों के लोग नाम वो सामने आ जाए, एस वाई एल च पानी चलू पता नहीं चलू, घट्टो घट खून दियां नदियां बहाने वाले राह ना पैना, इसलिए इस गल तो बचने लई दो स्टेटां दियां, मैं राजनीतिक तौर पर गल कर रहा, मैं थोड़े पक्षों नहीं गल कर रहा कि राजनीति ना हो, राजनीति ना हो, घट्टो घट संजीदगी गल हो, एस वाई एल च पानी आवे ना आवे ये पता नहीं, पर घट्टो घट मतलब कि लोगों का खून ना बह जाए कि इस चक्कर च भड़काने का प्रयास नहीं, हालत है दो सूबों की हालत यही है, इस मसले को टेबल ते बह के कोर्ट के आमो सामने बह के संजीदगी ताजे हालातों बाच के पानी की ताजी स्थिति बाच के निबेड़ा जाए तो मैं लगता है पंजाब की कोई गल सुनी जाए। ओके शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। असं अपने मेहमानों के नाल जितों तक गल है पंजाब ते हरियाणा के दरियाई पानिया के वंड के मुद्दे को लैके, साढ़े मेहमानों की भी यह राय कि बड़ा नाजिक सेंसिटिव मुद्दा, पहले भी कई बार पंजाब ते हरियाणा एक दूजे के आमनों सामने खड़े हो चुके हैं, हरियाणा पंजाब का भरा है, वो सुखी वसे, उन्होंने दरियाई पानिया का हिस्सा मिले, किसी ने कोई इतराज नहीं, पर पंजाब का दावा है और पंजाब का क्लेम है कि जो पंजाब को पानी होएगा तो हरियाणा को दिता जाएगा। इन मुद्दों से मामला सुप्रीम कोर्ट चे पता नहीं पानी अजे कि पुलों के हेठ दी निकलना है, पर इस चर्चा के आने के लिए मैं नैलो के सीनियर आगू रविंदर टुल जी, इदे तरीके हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट मलिक और पंजाब के सीनियर जर्नलिस्ट जोड़े है दीपक शर्मा चनारथल, तिने मेहमानों का धन्यवादी हैं और दर्शक बने रहेंगे साढ़े प्रोग्रामों के नाल।